ये देखो अब यहाँ पर एक इस कैंडल को टच करेगा। अब ये जो है ना वो तैयार रखना उस पुट कॉल को, ठीक है। यहाँ पर एंट्री होगा आपका इस कैंडल में, ठीक है। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, एक बार रिटर्न आएगा। तेरा क्या बोला तूने? समझ गए? मैं बोला तो उसको मेरा ऑर्डर लेने के लिए आना पड़ेगा। What? मैं बोला उसको कि 7543 आना पड़ेगा। आएगा मजा खेल का तो आना पड़ेगा। 201 से लेके 202 के बीच में एंट्री होगा। नहीं रूठेगा तो उससे मेरा क्या फायदा? नहीं चॉकलेट पूरा डब्बा मंगवा लूंगा, पूरा गाड़ी मंगवा लूंगा मैं। आइए देखते हैं बाहर से मजा आएगा। उसके लिए एक बार 201 से लेके 202 के बीच में आना पड़ेगा उसको। 203 तक भी आ जाएगा बट आ जाएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ। बाद में ऐसा नहीं कि कहाँ एंट्री करो, ट्रेन छूट गई। सर लाइव स्ट्रीम में इतना गुस्सा मत करें। बच्चे तेरी माँ की। म्यूजिक का इंटेंशन गुस्सा दिलाना होता है। आप अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल हम अच्छा कर रहे हैं। 203 के बीच में एंट्री होगा, 8 पॉइंट का एसएल रहेगा। एक लॉट वाले के लिए ही एंट्री यहाँ पर बन रहा है, कृपया करके ध्यान दे। जिनके मल्टीपल लॉट्स में एंट्री करना है वो एक लॉट यहाँ पर बना ले, एक लॉट वाले 203 पे ही ऑर्डर पंच करके रखे। क्रूड रिवर्स हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ऐसा लग रहा है, नॉट परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर होता है क्या, कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो ये बोला था नुकसान करवा दिया, कितना नुकसान कर दिया? 800 रुपए का। तो रखना यार साइड में, 800 वाले ऐसा होता है कि आजा यहाँ तक आना है, 75-42 तक रुक भी रहा है। हो गया एंट्री, स्टॉप लॉस ऑफ 195। अभी और 3 पॉइंट डाउन आ सकता है, देखते हैं। अब यहाँ पर हाई ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट डिसाइड होगा, 195 ही रखेंगे, क्योंकि 195 अगर जाए 195 जाएगा तो फिर 185 आ जाएगा, तो 195 ही रख लेते हैं, पहले से निकल जाएंगे क्योंकि बीच वाले 10 पॉइंट बच जाएंगे। प्रीमियम डीके यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जिस कैंडल को टच करना था उस कैंडल को इसने यहाँ पर टच ऑन कर लिया है। भाई बताएं तो कल कैसा करते रहना है ना, नीचे से उठाना ऊपर निकालना। यहाँ से बैक टू बैक ऊपर चला जाएगा ऐसा लग रहा है। बनाओ फिर से एंट्री। क्यों निकल गए एक बार? तो मैं दो लॉट लेके निकल गया था ना, बोला था ना। हाँ तो दूसरी बार तो एंट्री बनवा ली, तो मेरे को फोन आ गया ना, मैं मोबाइल पे। हाँ बना सकते हो, बना सकते। 5 पॉइंट के एसएल के साथ बनाओ एंट्री। सिस्टम में लगा 195 या 194.80, 194.50 ऐसा, या तो 194 ऐसा वाला, आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, ठीक है। रोहित जी ने यहाँ पर 1200 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, बहुत बढ़िया सुपर। धर्म लखानी जी ने स्टेटमेंट चेंज कर लिया, एक कैंडल क्या ऊपर आई, खुद का स्टेटमेंट ही चेंज कर लिया। पहले बोला था ऐसे जाएगा, फिर बोलते ऐसे जाएगा क्या, ऐसा मत करे यार, भरोसा है तो ट्रेड करो, नहीं भरोसा है तो मत करो यार, चले जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, निकलो यार, दिमाग का दही कर रहे हो, भरोसा नहीं तो क्यों आते हो, समझ में नहीं आ रहा है, फालतू का हेडेक क्यों कर रहे हो। अगर आपको नहीं मजा आ रहा है फालतू की कमेंट के लिए, उससे यार काफी अच्छा है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने दोस्तों यारों को टाइम दो। कैसे मालूम कि ऊपर जाएगा, अभी नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे, वो क्यों बताएंगे। बहन जी नमस्कार। अरे नमस्कार शैलेंद्र जी, आइए आइए, बहुत बढ़िया है, आप ही का इंतजार था। अरे तिलोक जी, ओ तिलोक जी, अरे वो फूलों की माला लाओ भाई, तिलोक जी गए क्या? रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बन चुकी है, रिवर्सल का जो पैटर्न है वो यहाँ पर कंप्लीट बन चुका है, और एज पर यूएस ऑयल हम देखेंगे तो हमारा जो एसएल होना चाहिए इस लो के नीचे होना चाहिए, ठीक है। हाँ बट वो लो टच नहीं किया, प्रीमियम पता नहीं कहाँ से मूव करके आ गया, आई डोंट नो, ठीक है। बट मेरा भी वेबसाइट है, मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि पूरा एरिया बाइंग का एरिया है यहाँ पर, और उसी बाइंग के एरिया के अंदर शैलेंद्र जी देखिए यहाँ पर TRS बना है, आया समझ में? हीट होता है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं, छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कितना लेगा, 7-8। अरे निकलना चला मेरे यहाँ से यार, पिछले 5 दिनों में पहला आदमी ब्लॉक हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है, तेरे अब्बू को जाके बोलना ही है, समझ में नहीं आता हल्के में ले रहे, उसका मतलब ये कि चला दिमाग का दही करेगा तो 20 पॉइंट ही एसएल मांगता है, एक में पूरा पटका दो, 20 का ही मांगता है एसएल, 5-6 पॉइंट में एसएल यहाँ पर दे रहे हैं तो चालक को यहाँ पर 20 का मांगता है ना एसएल, ठीक है ओके। गया अभी उसको अब्बू के पास भेज दिया उसको, निकल ला उड़े, कहाँ कहाँ से चले आते हैं, जन्म किसने लिया इन्होंने ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर पैदा क्यों होते हैं, गलती से क्या? 35-35-40 पॉइंट खड़े खड़े दिलवा दिए हैं, पहली ट्रेड में 40 पॉइंट दिलवाए हैं, कि काय का मगजमारी करने का। ये जो एरिया है ना, ये बाइंग का एरिया है, ये डिमांड जोन है, इस चीज को समझो, ऑल ओवरऑल मार्केट को समझ के बैठे, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया एसएल, वेल एंड गुड है, ठीक है, आराम से बैठे, धीरे धीरे करके, ये पूरा एरिया बाइंग का है, यहाँ से मार्केट 110% उठने का गारंटी है, बट यहाँ पर एसएल क्यों आया आई डोंट नो।
ठीक है, आई डोंट नो एसएल क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने छोटा डाला एसएल, बस मेरा गलती है कि मैंने एसएल छोटा डाला। 20 पॉइंट का डालना चाहिए था, जो मैंने पहले डिसाइड किया था 185 वो रखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। मैं चाहता हूँ यार आपका मिनिमम लॉस हो, जब नया एंट्री मिले तब प्रॉफिट हो। मैं आपकी प्रॉफिट में इतना खुशी नहीं जताता जितना आपके लॉस में गम जताता हूँ। तो सालों को समझ में नहीं आ रहा है, पीएम मोदी सारी अथॉरिटी आपको दी हुई है, अगर नेगेटिव कमेंट दिखे तो सीधा ब्लॉक मार दे और गया ना वापस। हाँ पता था कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। पीएम मोदी जितने ब्लॉक करने उतने मार दो फटाफट ब्लॉक, ठीक है। एक दो बार जाने देना, एक दो बार टाइम आउट देना, तीसरे बार उड़ा देना। चैनल मेंबर हो तो भी उड़ा देना, नहीं मेंबर तो कोई बोलेगा ही नहीं, मेंबर है तो भी उड़ा देना, ठीक है। सारी अथॉरिटी है आपके पास, मोइन पैसा जी के पास सारी अथॉरिटी है, पीएम मोदी के पास पूरी अथॉरिटी है, ठीक है। मैं बचा के रखता हूँ ताकि दूसरा ट्रेड ले पाए, ठीक है। अगर छोटा ऐसे लोगे तो दूसरा ट्रेड में एंट्री कर पाओगे? एक में ही 2000 गवा दिए, क्या खाक ट्रेड करोगे दूसरा? पूरा दिमाग ही खत्म हो जाएगा। व्यू यहाँ पर अपसाइड का है, अभी मैं क्रूड को अपसाइड ही देख रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि प्योर सेल प्योर डिमांड एरिया है, प्योर डिमांड एरिया। इस चीज को आप लोग समझते क्यों नहीं हो, इस चीज को क्यों समझ में नहीं आता है, डोंट नो क्यों समझ में नहीं आता है। एक सटीक एसएल लगाओ और रुके रहो, एसएल का साइज थोड़ा रखो, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। जब रिवर्सल ट्रेड लेते हैं तो आपको वहाँ पर एक बफर थोड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन में बैठोगे, ठीक है, यहाँ से मान लो पुट लिया, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ से पुट लोगे, ठीक है। चलो मैं दूसरी स्क्रीन लाता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रूड ऑयल का 4600 का एट द मनी का अपन पुट देखते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी ये पुट जो है तकरीबन 250 पे रन कर रहा है, ठीक है, 250 पे पुट रन कर रहा है ना। अब ये पुट को ध्यान से देखो कि एग्जैक्टली जब ऐसा वाला पुट को जब यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है, तब उसका एसएल कितना बनता है। अब खुद सोचो कि तो मूव जो ऊपर आया है यहाँ से 30% सीधा टूटेगा 30% जब वो टूटेगा तब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से सीधा 231 तक ये वाले लेवल, ये पूरा लेवल ये दिखा देगा यहाँ पर 230 वाला लेवल, कि 20 पॉइंट गिर जाएगा ये ना, समझो इसको ध्यान में रखो। इसके लिए हम यहाँ पर पुट लेते हैं कि ऑलरेडी पुट टूटा हुआ पड़ा है, कॉल टूटा हुआ पड़ा है, ठीक है। अभी और तोड़ने का मन नहीं होगा उसके अंदर, और ज्यादा नहीं टूटेगा, ये इसका लेवल है, ठीक है। जिस लेवल से ज्यादा नीचे नहीं जाता वहाँ के। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं डाउन जाएगा तो आप ले लीजिए भाई। चला इतना अच्छा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया हूँ आज के स्ट्रीम में, कि मैं कभी भी इतना नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया हूँ। एरा गैरा नथु गैरा आके मुझे कुछ भी बोल देगा कैसे चलेगा बताओ? इतना जानकारी उनके जीवन में कहीं उनको मिला ही नहीं होगा। अच्छे वाले एसएल के साथ यहाँ पर अपसाइड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। बैंक जी एनजी का क्या व्यू है? 243 से ऊपर या डाउन? 243 से तो ऊपर चल रहा है ना, 245 246 तक के लेवल से यहाँ पर दिख सकते हैं। जैसे कि जीतू सर ने यहाँ पर बताया था कि यहाँ से उठ सकता है एनजी, वैसे ही बिल्कुल उठा है। 12 से 15 पॉइंट के एसएल अपने हिसाब से मैनेज करो। यहाँ व्यू अपसाइड का है, यहाँ से प्योर सपोर्ट एरिया पे है। लॉजिक समझ के ट्रेड करो, समझ में आ रहा है तो ही करो, नहीं आ रहा है तो मत करिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाँ बिल्कुल अभी सपोर्ट पे है, बिल्कुल सपोर्ट पे रुका हुआ है मार्केट। सपोर्ट के आने के बाद यहाँ पर स्पीड नहीं दिखा रहा है मार्केट, बस यही देखना है कि स्पीड नहीं है। यहाँ पर 197 चल रहा है, रिसर्च वही लो है और प्रीमियम धीरे धीरे गिरता है थोड़ा है। अगर अभी यहाँ पर एंट्री किया है तो 10-12 पॉइंट कैसे लो, 10-12 पॉइंट का रखो, बिकॉज ऑफ ये पूरा एरिया है बाइंग का, ठीक है। ये पूरा एरिया है, हो सकता है कि यहाँ से 10-12 पॉइंट क्रूड नीचे भी आए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बाइंग का एरिया है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि यही से वापस घूम जाएगा, थोड़ा बहुत और थोड़ा हल्का हो सकता है 5-7 पॉइंट, तो आपका वो प्रीमियम चला जाएगा, ठीक है। 10-12 पॉइंट के एसएल के साथ मेंटेन करो। हालांकि ऑल एक ट्रेड पहले से अच्छे वाले प्रॉफिट में निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर से जब ट्रेड लिया तब भी 10-10 पॉइंट दो बार लिए, 10-10 पॉइंट का मूव हुआ है, ठीक है। सर क्रूड ने मेरा इंडिकेटर 7520 तक के जगह उसने बना रखी है, तो क्या 7520 पर बाय करें या अभी वेट करें? देखो एक सपोर्ट एरिया पे अभी घूम रहा है, ठीक है, इंडिकेटर ठीक है, बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोल रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न ये बोल रही है कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, 1-2-3-4 यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्रूड वही पर आया, फिर से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। वो एक पूरे पीएम होता है पांच का चल रहा है अभी, बाय और डिप्स करते रहना, जिनको भी देखना है बाय साइड में देख लेना मार्केट को, ठीक है। एक एक का एंट्री कर 2500 रुपए चले जाएगा वो ऑप्शन, 2500 रुपए चले जाएगा वो ऑप्शन, हाँ अभी ले लेंगे पार्सल क्वांटिटी एंट्री करो, नीचे मिलता है तो आप क्वांटिटी एंट्री कर सकते हो। सर होल्ड करेंगे कार्ड दें सर, उठ जाएगा यहाँ से और ज्यादा उठेगा। सर कितना तक जाएगा? सर पूरा वापस चला जाएगा, 250 जाएगा, 270 तक के भी लेवल दिखा सकता है। आराम से रुकिए, न्यू एंट्री यहाँ पर बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। 35 पॉइंट का अपसाइड मिलेगा, एसएल का टेंशन मत लो, अपसाइड मूव आएगा। उसका टारगेट कितना? 210 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, वापस एंट्री कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स करते रहो, बाय ऑन डिप्स करते रहो।
नहीं दिया अभी तक, स्नाइपर ने एंट्री नहीं दिया है, बट आप इसका जो ग्राफ जो नीचे आ रहा है ना बनके, ये जो जोन आ रहा है ना, उस जोन को डिफाइन करके आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री देख सकते हो। 2121 पिप बाय 215 बाय है, रिकवर करेगा, बिल्कुल करेगा, टेंशन मत लो, उठ जाएगा यहाँ से। डाउन साइड का रैली कम्प्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट रीटेस्ट, यहाँ से भग जाएगा वापस। एनजी को कोई शॉर्ट मत करना, एनजी ज्यादा स्पीड से जा रहा है, बायर्स भी एक्लिमेट हो रहा है, बायर्स के साथ जा रहा है वो, बायर्स को इकट्ठा करके जा रहा है क्रूड ऑयल में। बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइस, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइस, ओके, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, धीरे 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 एसएल को ऊपर ट्रेल करते रहो। जो यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल के साथ काम कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते रहो, ठीक है। कोई कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके अगर क्लोज दे दीजिए पूरी तरीके से, देन नेक्स्ट कैंडल उसका लो को बीट करके आगे बढ़ती है, तब आपको निकल जाना है वहां से। अदरवाइज यहाँ पर एक अपसाइड का कार्यक्रम अपसाइड जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। बायर शिफ्ट हो रहे ऊपर की ओर, ठीक है, तो बिल्कुल अपने आपको रिग्रेट नहीं करके रुकना है यहाँ पर, ठीक है। बायर से यहाँ पर एक्लिमेशन चल रहा है 31, 56, 59, 59 के लेवल पे, ठीक है, ये तीनों लेवल पे बायर से एक्लिमेट हो रहे हैं। 69, 89, 88 ये लेवल पे यहाँ पर पूरा ये वाला पूरा एरिया जो है उसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर्स का एक्लिमेशन चल रहा है, ठीक है। तो चलने दो, यहाँ पर निकलना नहीं है, बायर्स एक्लिमेट हो रहे हैं, डरना नहीं है, ठीक है। माइक रूड का कॉल ट्यूजडे तक होल्ड रख सकते हैं क्या? ट्यूजडे तक तो रख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको नहीं रखना चाहिए, बिकॉज 2 दिन छुट्टी है, थोड़ा बहुत प्रीमियम के बीच जाएगा, फिर 2 दिन मार्केट में, यूएस मार्केट में क्या होता है, सैटरडे भी चालू यूएस मार्केट, मतलब ये आपका यूएस ऑयल मंडे भी चालू है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि बोला था ना मैंने नीचे जाएगा, बोला था ना, जब वो नीचे जाता है तब आ जाते हैं, ठीक है। अब कई लोग सपोर्ट पे ऐसा बोल रहे थे कि और यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, अभी उनके सपोर्ट से वो तकरीबन 30 से 40 पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसमें से मैं सबके नाम मैंने लिख के रखे, ठीक है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैं सोच रहा हूँ कब वो आए, और मैं बताऊँ कि देखो ऊपर आया मार्केट तो क्या करे, ठीक है, वो कोई नहीं दिखाई दे रहे, कोई नहीं, तो ऐसा होता है। अभी मैं कभी भी ऐसा नहीं कि भाई देखो मैंने बोला ऐसा ही चला, वैसे ही चला, ऐसा चलता है रे, कभी कभार नहीं भी चलता, उसमें क्या मगजमारी करने का मार्केट के साथ, समझ रहे हो। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएंगे वो, जब मार्केट नीचे जाएगा ना तब आएंगे वो, इंतजार से शॉर्ट टर्म एनालिसिस शॉर्ट टर्म में ही हवा हो जाता है, सही है। जाए तो भाई ये 2 रुपए के सैलरी वाले लोग होते हैं, टारगेट पूरा करने के लिए आते हैं अपना, उससे लोग भेजते हैं, जाओ नेगेटिव कमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। नीचे जो रेड कैंडल बनी है इसमें बायर है, और प्रीमियम के मुताबिक वो 195 तक यहाँ पर आएगा प्रीमियम, तब एंट्री होगा, ऊपर ही जाएगा, रिटेस्ट मार रहा है, मारने दो, ऐसे ही स्विंग के नीचे रखो, जिनका भी काहे पर भी एंट्री हुआ स्विंग के नीचे ऐसा रखो, सही जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। एनजी को शॉर्ट कर सकते हैं क्या? सर जी अभी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग का मूव अभी ऊपर बना है, अभी थोड़ा बहुत लॉन्ग बिल्डअप आना चालू हुआ है, और बायर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पर, हम शॉर्ट नहीं करेंगे इसको, ऐसे चलेगा मार्केट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये लोग चल गया, चल गया, हो गया ना, हाँ, अभी एसएल को ट्रेल करो, एसएल को ट्रेल करो, 9500 पे एसएल को ट्रेल करो, नहीं 10500 हो गया, हाँ 9500 पे एसएल को ट्रेल करो, चलने दो, उनका टारगेट कितना है, चल रहा है ना अभी तो, हमने क्या बोला था, बग जाएगा बोला था ना, बोला था उठ जाएगा, मतलब उठ जाएगा, बहुत सारे लोग कुछ में थे जो गलत बता रहे थे कि जो लोग उठ वाले थे ना सब बग गए वो वाले, ठीक है, सब बग, हाँ अगर गिरता ना तो आ जाते, बोला था ना मैं, बोला था ना, अभी सर क्लोज में कुछ और है, बस अब बुक कर लो, अब मेंबरशिप गिफ्टिंग के भी पैसे निकल गए यहाँ पर, तो हमने जो बोला था बिल्कुल वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है कि मार्केट भगेगा, बोला था ना मैंने, ये लो 235 हो गया ऑप्शन, 250 का टारगेट बोला था ना आपको मैंने, 235 चल रहा है, 50 पॉइंट दिलवाऊंगा मैं खड़े खड़े, मैं तो बुक नहीं किया अभी तक, टोटल ओवर कर रहा हूँ इस ट्रेड को, अब यहाँ पर आगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आगे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस ट्रेड ओवर, ये ट्रेड को ओवर कर रहा हूँ देख लेना, ठीक है, इस ट्रेड को यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड नहीं इनिशिएट करेगा, बाय साइड में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेगा, अब यहाँ पर ट्रेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ, अब यहाँ पर कैपेसिटी खत्म हो गई इस ट्रेड की, सबको जो भी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको जय माता जी, और थैंक यू एवरीवन, सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, सब लोग गांधी जी के फोटो को अच्छे से पूजा वूजा करके, ठीक है, और अपनी जेब में रख लेना, और वेरी वेरी नाइस सर वीडियो, ओके ओके, सबको गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, अरे हाँ हैप्पी बर्थडे तो गांधी जी का है, ठीक है, चलिए
सब लोग खुश होंगे, आशा करता हूँ सब लोग प्रॉफिट में होंगे। सुनिए सब लोग, जितने भी यहाँ पर 270 लोग हैं, एक मिनट ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं जब स्ट्रीम को ओवर कर दूँ ना, जब बंद कर दूँ ना, तब कमेंट सेक्शन ओपन होगा, उस कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉफिट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ड ऑफ ट्रेडर, थैंक यू वेरी मच भाई, ठीक है। मैं जिस स्ट्रीम को ओवर कर रहा हूँ उसका कॉमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। मैं पढ़ूंगा सबको, मैं रिप्लाई भी करूंगा और उन सबका नाम मैं अगली स्ट्रीम में लूंगा, ठीक है। थैंक यू फैक्ट फाइव जी ने फिर से 10 क्यूआर भेज दिए, गुड नाइट फैक्ट फाइव जी, थैंक यू फॉर 10 क्यूआर। आज फैक्ट फाइव जी ने 65 क्यूआर भेज दिए, थैंक यू वेरी मच फैक्ट फाइव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय स्ट्रीम, सबको थैंक यू।